हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक बैंक के ऊपर। तो कोटक बैंक के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था और यहाँ पे हम लोगों ने 1925 के लेवल के अराउंड जो है एक अच्छा यहाँ पे शॉर्ट किया था। उसके बाद जो है फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिला 1900 के नीचे भी शॉर्ट करने का, जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था और वहां से जो है हम लोग यहाँ पे आपको 1820 का टारगेट हम लोगों ने लेके चला था और 1816 का जो है आपको यहाँ पे लो लगाया था। तो इसलिए जो है इससे पहले हम लोग कंटिन्यू दो ट्रेड इस स्टॉक में कर चुके हैं और कभी भी अगर हम लोग एक स्टॉक पकड़ते हैं तो उसको कम से कम जो है 2 से 3 बार जो है हम लोग जरूर ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब आप कोई किसी ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप को पकड़ते हैं और वहाँ पर अगर कोई एक स्टॉक अगर आपको ट्रेंडिंग मिल जाता है तो फिर जो है आप वहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ पर आपको एंट्री किया था उनका टारगेट आ चुका है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर उस चीज को मेंशन कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोगों को फिर से यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो एक अच्छा फॉल हुआ है 1900 के लेवल से एक अच्छा फॉल हुआ है और स्टॉक जो है आपको रिट्रेस बैक किया है, 1875 तक रिट्रेस बैक किया है और यहाँ पे आपको एक अच्छा फिर से निगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको बन रहा है और साथ ही साथ आपको ये डायनेमिक जो है रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। मूविंग एवरेज का जो है आपको ये डायनेमिक रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। सिमिलरली अगर डेली चार्ट में भी हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में भी जो है आपको स्टॉक जो है अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ा है। तो इसी वजह से जो है इस स्टॉक में फिर से आपको एक बार मौका मिल सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको कब ट्रेड करने के लिए देखेंगे, यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू हॉल्ट कर रहा था। आज जो है ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो लास्ट के ऑलमोस्ट 2 आवर में आपको इसी लेवल के अराउंड यहां पे जो है आपको कंटिन्यू हिट किया है। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये लेवल आपको ब्रेक नहीं होता है, 1865 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता हम लोग ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। स्टॉप लॉस हम लोगों को 1890 के लेवल पे रखना है, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस लेवल है। तो हम लोग एंट्री करेंगे 1865 के नीचे, स्टॉप लॉस हम लोगों का रहने वाला है 1890। तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आपको 1.5% का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट जो है हम लोगों का यहाँ पे 3% का रहेगा। 54 to 55 पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे आपको कैप्चर करने के लिए देखेंगे, क्योंकि रिसेंट स्विंग लो भी अगर हम लोग देखेंगे तो 1816 है। तो अगर यहां तक भी हम लोग कैप्चर करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 50 पॉइंट हम लोगों का कैप्चर हो जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल पे जाएगा तो स्टॉक जो है एक बार 1800 के लेवल को टच करने के लिए जरूर जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोगों को आपको इजीली यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन याद रहे पहले हम लोग 1865 का लेवल ब्रेक होने देंगे, हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में इंटर करेंगे। अगर एक बार यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1865 के नीचे एंट्री रहेगा, 1890 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं अपडेट नहीं भी कर पाऊँ तो आप लोग जो है ट्रेड को इजीली ले पाए और आपके पास जो है एक अच्छा एंट्री और एग्जिट प्लान हो, जो ट्रेड में आपको कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।